तो हे दोस्तों, वेलकम टू द बोलबाला। चलिए देखते हैं आज की टॉप 5 फिल्मी खबरें। दोस्तों, पहली और बड़ी खबर है कि डायरेक्टर शंकर और कमल हसन की मोस्ट अवेटेड सीक्वल मूवी इंडियन 2 का फर्स्ट ग्लिम्स 3 नवंबर शुक्रवार को आउट होगा। इंडियन 2 की रिलीज डेट कन्फर्म नहीं है, लेकिन इंडियन 2 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में रिलीज हो सकती है। खबर 2, दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ एक बार फिर फिल्म में साथ नजर आएंगे। डायरेक्टर जगन शक्ति की टाइगर श्रॉफ स्टारर अपकमिंग एक्शन मूवी टाइटल हीरो नंबर 1 में दिशा पाटनी ने सारा अली खान को रिप्लेस किया है। सारा अली खान ने डेट इशू के चलते फिल्म को छोड़ा है। मूवी में दिशा पाटनी टाइगर श्रॉफ के अपोजिट लीड एक्ट्रेस होंगी। खबर 3, दोस्तों खबर है कि डायरेक्टर मोहित सूरी और अक्षय कुमार की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर मूवी का टाइटल साइको होगा, जिसमें अक्षय कुमार एक साइको का कैरेक्टर निभाते दिखाई देंगे। मूवी को रोहित शेट्टी प्रोड्यूस करेंगे। मूवी 2024 में रिलीज होगी। खबर 4, रूमर है कि गदर के मेकर्स गदर 3 की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसकी अनाउंसमेंट 2024 के स्टार्ट में की जाएगी। वही फिल्म की शूटिंग 2024 के मिड में स्टार्ट होगी और फिल्म को 15 अगस्त 2025 को रिलीज किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है? गदर 2 अभी रिलीज हुई है और इतनी जल्द ही गदर 3 को लाना ठीक रहेगा? अपनी राय कमेंट करें। खबर 5, दोस्तों आखिरी खबर है कि अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर की नई मूवी द लेडी किलर का ट्रेलर आया है। द लेडी किलर सस्पेंस थ्रिलर मूवी होगी, जो 3 नवंबर 2023 को रिलीज होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 फिल्मी खबरें। ऐसी ही फिल्मी खबरें पाने के लिए वीडियो पर लाइक, कमेंट्स और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।